मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारा चल रहा था नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, और इसमें हम पढ़ चुके हैं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा। बचता क्या है इसमें? इसमें रह गया है समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो हम समुद्री ऊर्जा से शुरू करते हैं। अब समुद्री ऊर्जा मतलब समुद्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। अब समुद्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? उसको हम तीन प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। एक है ज्वारीय ऊर्जा, एक तरंग ऊर्जा और एक सागरीय तापीय ऊर्जा। तो पहले देख लेते हैं ज्वारीय ऊर्जा। अब आप लोगों ने सामाजिक में पढ़ा हुआ, भूगोल में पढ़ा हुआ ये कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र का पानी एक बार ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है। 24 घंटे में यह घटना दो बार होती है। मतलब पानी गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के कारण ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब किनारों के काफी ऊंचे किनारों पर पहुंच जाता है, और फिर वो पानी जो चढ़ जाएगा वो नीचे उतरता है। जो पानी ऊपर चढ़ जाता है उसके ऊपर के चढ़ने को बोला जाता है ज्वार, और नीचे उतरने को बोला जाता है भाटा। तो पूरी घटना को हम क्या कह देंगे? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा अगर कोई आपसे पूछे क्या है, ज्वार भाटा का मतलब होता है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र के जल का ऊपर चढ़ना और उतरना, उसको बोला जाता है ज्वार भाटा। अब जो समुद्र का जल ऊपर जाता है तो उसकी उसी गति का हम प्रयोग करेंगे किसके लिए? ऊर्जा प्राप्ति के लिए। तो हम कोई ऐसी जगह का प्रयोग करेंगे जहां संकरी जगह होगी। मतलब मान लो कोई दो चट्टाने हैं, तो दो चट्टाने एक साथ है, इधर समुद्र का जल है। जैसे ही समुद्र का जल ऊपर चढ़ेगा तो इन दो चट्टानों के अंदर चला जाएगा। तो हम इसके आगे यहाँ पे क्या बना देंगे? एक बांध बना देंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यह बांध बन जाएगा तो पानी ऊपर चढ़ेगा कैसे? देखो, इसमें रास्ता होगा, इसमें पानी चढ़ने के लिए और निकलने के लिए। तो जब पानी इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे हम कोई टरबाइन लगा देंगे और उस टरबाइन को जोड़ देंगे जनरेटर के साथ। तो टरबाइन जब यहाँ पे होगी, जब पानी ऊपर चढ़ेगा तो टरबाइन घूमेगी और विद्युत उत्पन्न होगी। अब जब पानी इसमें भर जाएगा तो उस पानी को हम दोबारा से धीरे धीरे वो वापिस छोड़ेंगे, और छोड़ते टाइम भी वो टरबाइन को घुमाएगा और विद्युत उत्पन्न होगी। मतलब ज्वार के समय भी हमें विद्युत मिलेगी और भाटा मतलब पानी के उतरते समय भी हमें विद्युत प्राप्त होगी। इसको हम कहेंगे ज्वारीय ऊर्जा। जो ये बांध बनाया जाता है इसको बोला जाता है ज्वारीय बांध, ठीक है? तो ज्वारीय बांध, इस प्रकार हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन ज्वारीय ऊर्जा की कुछ लिमिटेशन है, मतलब कुछ कमियां है। क्या कमियां है? एक तो भाई, ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष स्थानों की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे संक्रांत, ऐसी कोई संकरी जगह हमें चाहिए, और ये संकरी जगह ऐसा नहीं है कि सभी जगह मौजूद है। कुछ विशिष्ट स्थान ही ऐसे होते हैं जहां पर हम ज्वारीय बांध बना सकते हैं, ठीक है? दूसरी इसकी क्या कमी है कि इससे जो उत्पन्न विद्युत धारा है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, मतलब हाई पावर नहीं होती है, जिसका प्रयोग हम कारखानों में या बहुत दूरी तक बहुत सारी चीजों में प्रयोग कर सके। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है, मतलब कमियां हैं। किसकी? ज्वारीय ऊर्जा की। ये पेपर में कमियां ही आती है इसकी ज्यादातर, कि एक तो भाई ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो हम ज्वारीय बांध बनाते हैं उसके लिए विशिष्ट स्थान बहुत कम है, बहुत कम अवेलेबल है। दूसरा क्या, इससे विद्युत ऊर्जा, बहुत अधिक विद्युत धारा उत्पन्न नहीं की जा सकती, बहुत कम विद्युत धारा हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, योगी ज्वारीय ऊर्जा। अब बात करते हैं तरंग ऊर्जा। अब तरंग क्या होती है? देखो, जब तेज हवाएं चलती हैं समुद्र की सतह के ऊपर, तो तेज हवाओं के कारण समुद्र के पानी में बहुत सारी लहरें उठती हैं, ये तो आपको पता ही है। तो जब कोई भी लहर उठती है तो उस लहर में होती है गतिज ऊर्जा, और उस गतिज ऊर्जा का प्रयोग करेंगे हम किसके लिए? विद्युत उत्पन्न करने के लिए। तो हम ऐसे कुछ उपकरण बनाएंगे, कुछ ऐसे यंत्र का प्रयोग करेंगे जो उन लहरों के कारण चलना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। इसके लिए हम कोई ऐसा तैरता हुआ विद्युत जनित्र भी बना सकते हैं जिसमें टरबाइन जुड़ी होगी, और वो टरबाइन लहरों के साथ, लहरें जैसे ही चलेंगी तो वो टरबाइन घूमेगी और विद्युत धारा उत्पन्न होगी। लेकिन ये इतना कामयाब नहीं है, विद्युत धारा उत्पन्न करवा सकते हैं लेकिन इससे बहुत अधिक विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है। इसकी क्या कमी है तरंग ऊर्जा की? तरंग ऊर्जा की यही कमी है कि तरंग ऊर्जा
हमें उस जगह पे प्राप्त होती है जहाँ पे हवाएं बहुत तेज होती है, या ये कह लो कि जहाँ पर लहरें बहुत ऊंची ऊंची आती हैं और तेज आती हैं, वहीं पे हम तरंग ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। सभी जगह हम तरंग ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। दूसरी लिमिटेशन वही है कि इससे जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो बहुत कम होती है, अधिक विद्युत धारा हम इससे उत्पन्न नहीं कर सकते। ये तरंग ऊर्जा की क्या है, कमियां है। अब बात करते हैं सागरीय तापीय ऊर्जा। सागरीय तापीय ऊर्जा का क्या मतलब होता है, देखो सागर समुद्र भरे पड़े हैं पानी के, तो सागर बड़ा सा एरिया जहां पानी इकट्ठा होता है उसको सागर कहते हैं। तापीय मतलब तापमान, तो समुद्र का जल जो होगा वो सूर्य की धूप पड़ने से गर्म हो जाएगा। ऊपर वाली सतह का जो पानी होगा वो समुद्र की सूर्य की धूप पड़ने से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जो गहराई का पानी होगा वो होता है ठंडा। तो समुद्र के जल में तापमान का अंतर आ गया, इसी अंतर का हम प्रयोग करेंगे किसके लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए। तो कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए हम विशिष्ट यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो हमें प्राप्त करनी है अभी सागरीय तापीय ऊर्जा। जैसा कि मैंने बताया कि सागरीय तापीय ऊर्जा में क्या होता है, जैसे समुद्र की सतह है ऊपर वाली सतह है और गहराई में ये नीचे वाली सतह है, तो सूर्य की धूप जब पड़ेगी ऊपर वाली सतह पे तो ऊपर का जो जल होगा वो गर्म हो जाएगा और जो नीचे का जल होगा वो ठंडा रहेगा। तो इन दोनों में, मतलब ऊपर वाले पानी में और नीचे जो पानी है उनमें अंतर आ जाएगा, तापमान में अंतर आ जाएगा, और तापमान में इसी अंतर का हम प्रयोग करेंगे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और उसी ऊर्जा को हम बोल देंगे क्या, सागरीय तापीय ऊर्जा। तो कैसे करेंगे, जैसे जो ऊपर का जल है जिसका तापमान अधिक है, हम इसके सहारे कुछ ऐसे द्रव पदार्थों को उबालेंगे जिनका क्वथनांक निम्न होता है, मतलब जो कम तापमान पर उबल सकते हैं, जैसे अमोनिया होती है NH3 अमोनिया, या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका क्वथनांक बहुत कम है। अब इनके तापमान में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, मतलब नीचे का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता है, ऊपर का पानी जो होता है वो काफी गर्म हो जाता है, क्योंकि जो भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है वहां पर सूर्य की किरणें पूरे साल लगभग सीधी पड़ती है। तो वहां पे जो सागर है, भूमध्य रेखा के आसपास जो सागर है, वहां ऊपर का जो पानी है उसका तापमान काफी अधिक हो जाएगा, और उस तापमान के सहारे हम कुछ द्रव पदार्थ जैसे अमोनिया है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनको हम उबालेंगे। अब उबालेंगे तो इनकी क्या बनेगी, इनकी वेपर बन जाएगी, मतलब भाप बन जाएगी इनसे, और उस भाप का प्रयोग हम टरबाइन चलाने में कर सकते हैं, और टरबाइन को हम जोड़ देंगे विद्युत जनित्र के साथ और विद्युत धारा उत्पन्न कर लेंगे। अब जब ये वेपर बन जाएगी, मतलब जब ये भाप बन जाएगी, मान लो हमने ये एक इसको गर्म कर दिया, मान लो ये ऐसे इसमें अमोनिया डाल के इसको गर्म कर लिया, तो इसकी वेपर बनी है, इस वेपर को हम इकट्ठा कर लेंगे और इसके सहारे हम क्या चलाएंगे भाई, टरबाइन चला देंगे, ये टरबाइन चल पड़ी और इसको जोड़ देंगे विद्युत जनित्र के साथ, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो जब इसको चला के ये वेपर वापिस आएगी, इसको एक कंडेंसर से गुजारा जाएगा, उस कंडेंसर के आसपास पानी जो होगा वो ठंडा पानी होगा, मतलब जब ये वेपर यहाँ से गुजरेंगी तो इसके आसपास इसके ऊपर इस पाइप के ऊपर क्या होगा, ठंडा पानी इसके ऊपर छिड़का जाएगा। और ठंडा पानी कहाँ से लिया जाएगा, वो ठंडा पानी गहराई से ले सकते हैं हम, जो नीचे का पानी है वो तो ठंडा पानी है, तो वो ठंडा पानी इस वेपर को दोबारा से द्रव में बदल देगा, मतलब ये अमोनिया जो हमें भाप के रूप में प्राप्त हुई थी वो दोबारा से द्रव में बदल जाएगी, और फिर से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो किसके लिए, भाप बनाने के लिए। तो देखो ये सिस्टम अपने आप चलना शुरू हो गया, नीचे के पानी का प्रयोग हमने कर लिया किसको, उसको दोबारा से द्रव में बदलने के लिए, किसको, अमोनिया को, इधर आके वो फिर से भाप में बदलेगा, टरबाइन को चलाएगा, दोबारा से द्रव में बदलेगा, और ये चक्र चलता रहेगा। इस प्रकार हम सागरीय तापीय ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, किसके लिए, विद्युत प्राप्त करने के लिए। लेकिन लिमिटेशन वही है भाई कि इसके लिए जो विशेष क्षेत्र होते हैं, विशेष स्थान जो है वो बहुत कम है, ठीक है। और ये भी याद रखना, जो सतह का तापमान है और जो गहराई का तापमान है उनके बीच में अंतर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का होना ही चाहिए। एक जो ये सिस्टम हम लगाते हैं, मतलब सागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो हम पूरा का पूरा ये यंत्र हमने लगाया, इसको बोला जाता है
ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, ठीक है, ओटीईसी, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, ठीक है, ये प्लांट का नाम है, कौन से प्लांट का नाम, जिसने समुद्र के अंदर जो तापीय ऊर्जा है उसको बदल दिया, किस में, विद्युत ऊर्जा में, इसलिए इसका नाम रख दिया ओशियन, ओशियन मतलब सागर, तापीय एनर्जी ऊर्जा, कन्वर्जन मतलब रूपांतरण, ठीक है। तो ये जो हमने लगाया है प्लांट, इसका इसको बोलेंगे हम सागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र, ठीक है, हिंदी में, नहीं तो हम इंग्लिश में सीधा बोलेंगे ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, ठीक। ये थी भाई तीन तरीके से जिनके सहारे हम समुद्र से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं भूतापीय ऊर्जा, अभी हमने पढ़ा सागरीय तापीय ऊर्जा, अब हम पढ़ेंगे भूतापीय ऊर्जा। भू का मतलब क्या है, भूमि, भूमि होता है भू का मतलब, और तापीय मतलब तापमान। यहाँ पे इसमें हमने बात की थी सागर के पानी से जो ऊष्मा प्राप्त हुई उसका प्रयोग किया विद्युत प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पे हम क्या प्राप्त, क्या काम करेंगे, यहाँ पे जो भूमि की ऊर्जा है या ऊष्मा है, भूमि के अंदर जो ऊष्मा है उसका प्रयोग करेंगे किसके लिए, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। देखो पृथ्वी की गहराई में अगर हम जाएं तो अत्यधिक तापमान होता है, क्यों, क्योंकि जो क्रोड है मतलब जो अंदर कोर है, पृथ्वी की कोर है, वहां पे अत्यधिक गर्मी है। इसके अलावा हमने उस गर्मी का प्रयोग नहीं करना, हमने ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, हम बात करते हैं जो सरफेस के आसपास, जो सतह के आसपास गर्मी होती है या ऊष्मा होती है वो किसके कारण होगी, वो होगी कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण, जो रेडियो धर्मी पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं पृथ्वी के अंदर जिनमें से अपने आप विकिरण निकलती रहती है, जिनमें कुछ रेडियो एक्टिव रिएक्शन चलती रहती है, मतलब नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया चलती रहेगी, और जब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया चलती है तो बहुत अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। तो पृथ्वी में, पृथ्वी की सतह के आसपास, मान लो मैं ये कहूँ कि भाई ये पृथ्वी है, तो इसकी सतह में यहाँ पे कहीं पे रेडियो एक्टिव पदार्थ है और इसके अंदर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया चल रही है, तो आसपास ऊष्मा बहुत ज्यादा फैल जाएगी और यह ऊष्मा आसपास की चट्टानों को गर्म कर देगी। जब ये चट्टानें गर्म हो जाएंगी तो ये चट्टानें आसपास के, अगर इसके चट्टान के संपर्क में कोई पानी आता है तो उस पानी को भी गर्म कर देंगी। अब पानी गर्म होगा तो पानी गर्म होने से बनती है भाप, तो इसके आसपास यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुत सारी भाप इकट्ठी हो जाएगी और जैसे जैसे भाप और बढ़ती रहेगी तो यहाँ प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा। अब ये दबाव अगर इसको जगह मिल जाएगी, मतलब इस भाप को अगर थोड़ी बहुत कोई जगह मिल जाती है तो इस गैस को, मतलब इस भाप को अगर थोड़ी बहुत जगह इसमें कहीं से मिल जाती है तो ये पृथ्वी से निकलना शुरू कर देगी भाप के रूप में। कहीं पे आपने देखा भी होगा, गर्म पानी के चश्मे भी देखे होंगे, क्यों नीचे से गर्म पानी निकलता है, क्यों निकलता है, क्योंकि जैसे ही पानी को कोई जगह मिलती है तो वो गर्म पानी बाहर निकलना शुरू कर देता है। लेकिन अगर उसको जगह नहीं मिलती तो अंदर जो भाप होती है वो बहुत अत्यधिक प्रेशर में यहाँ पे रुकी होती है। हम क्या करेंगे, इसमें कोई छेद करके एक पाइप डाल देंगे, जब पाइप डालेंगे तो ये जो भाप है बहुत प्रेशर के साथ बाहर निकलेगी और इस प्रेशर का हम प्रयोग कर सकते हैं किसके लिए, टरबाइन चलाने के लिए। टरबाइन चलेगी, उसको जोड़ देंगे विद्युत जनित्र से तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। हम दूसरे, कई बार हम क्या करते हैं कि इसमें एक दूसरा पाइप भी डाल देते हैं साथ में, इससे क्या होगा, यहाँ से हम ठंडा पानी डालेंगे। अब ठंडा पानी जब यहाँ पे गर्म चट्टानों के संपर्क में आएगा तो यह भाप बनाएगा, एक पाइप से भाप निकलती रहेगी, दूसरे पानी से हम क्या डालते रहेंगे, ठंडा पानी डालते रहेंगे ताकि वो गर्म होता रहे और उससे भाप बनती रहे, और उस भाप का प्रयोग हम टरबाइन चलाने में कर ले। टरबाइन चलेगी और उसके साथ विद्युत जनित्र भी चलेगा और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं, इस प्रकार से प्राप्त ऊर्जा को बोला जाता है भूतापीय ऊर्जा। लेकिन ऐसी जगह, इस प्रकार की जगह जहां से इस प्रकार के भाप हम प्राप्त कर सकते हैं, इनको बोला जाता है, ये जगह हॉटस्पॉट, इनको क्या कहेंगे हम, हॉटस्पॉट। तो इंडिया में हॉटस्पॉट मिलने के जो स्थान है वो बहुत ही कम है, मतलब बहुत कम स्थानों पे हमें ऐसी स्थिति मिलती है जहां से भाप निकलती है, ठीक है। तो इससे हमें अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है।
बात याद रखना। तो ये थी भाई भूतापीय ऊर्जा, इसकी कमियां क्या है? इसकी कमी ये होगी कि इसके लिए जो हॉटस्पॉट जो है वो इंडिया में बहुत कम है, सभी जगह हम इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये होगी भी भूतापीय ऊर्जा। अब बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा के, हमारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में लास्ट टॉपिक है क्या, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, हमें पता है भी नाभिक, तो आपने सुना भी होगा कि नाभिक क्या है। जब हम किसी परमाणु की बात करें कि परमाणु, आपने पढ़ा होगा परमाणु की संरचना, 9th क्लास में पढ़ा होगा कि परमाणु की संरचना, 4th चैप्टर में पढ़ा होगा परमाणु की संरचना। और परमाणु की संरचना में आपने पढ़ा होगा कि परमाणु की संरचना में एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कुछ कक्ष होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ये नाभिक है। ठीक है, किसी भी परमाणु के नाभिक में होने वाली अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया बोला जाता है, ये नाभिक है। तो नाभिक में होने वाली अभिक्रिया, क्या कहा, होने वाली अभिक्रिया को क्या कहें हम, नाभिकीय अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है। किसी भी परमाणु के नाभिक में अगर कोई अभिक्रिया होती है तो उसको बोला जाएगा नाभिकीय अभिक्रिया, और वो अभिक्रिया जो ऊर्जा उत्पन्न करेगी उसको बोलेंगे हम नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं भाई, एक होता है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो क्या है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, दो प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। तो हम एक एक करके दोनों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाभिकीय विखंडन की। तो नाभिकीय विखंडन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, विखंडन का मतलब होता है तोड़ना। ऐसी भी क्रिया जिसमें एक भारी नाभिक, किसी परमाणु के भारी नाभिक को तोड़कर दो हल्के नाभिकों में बदल दिया जाएगा और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी, उसको बोला जाएगा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। एक बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि सभी परमाणुओं में हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया करवा सकते हैं, नहीं। नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया उन नाभिकों में होती है जिनके नाभिक असंतुष्ट होते हैं, मतलब संतुष्ट नहीं है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कुछ विशिष्ट तत्वों में ही हो सकती है, जैसे वही यूरेनियम में हो सकती है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ठीक है, और थोरियम है। ये इनको बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या कहेंगे हम इनको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्यों कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि ये ऐसे तत्व हैं जिनमें से रेडिएशन अपने आप निकलती रहेगी। मतलब अगर हम इनको फेंक भी दें, अगर ये नेचर में ही पड़े हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी में बहुत सारे कुछ रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद होते हैं जिनमें रिएक्शन अपने आप, अभिक्रिया अपने आप होती रहती है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ये ऐसे तत्व हैं जो रेडियो एक्टिव है, मतलब जिनमें से अपने आप विकिरण निकलती रहेगी, इसलिए इनको रेडियो एक्टिव तत्व बोला जाता है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में हम इन्हीं रेडियो एक्टिव तत्वों का प्रयोग करते हैं। तो नाभिकीय विखंडन का मतलब है कि एक भारी नाभिक को दो हल्के नाभिकों में बदलना, और उसमें थोड़ा बहुत क्या होगा, उस नाभिक का थोड़ा बहुत द्रव्यमान किसमें बदलेगा, वो ऊर्जा में बदल जाएगा, लेकिन उससे ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में निकलेगी और उसी क्रिया को बोला जाता है नाभिकीय विखंडन। ठीक है भाई, तो जैसा कि मैंने बताया, नाभिकीय विखंडन में एक भारी रेडियो एक्टिव तत्व को दो हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं जैसे यूरेनियम 235 है भाई, यूरेनियम 235 हम क्या करते हैं, हम रेडियो एक्टिव तत्व लेंगे और उसके ऊपर कोई हल्के पार्टिकल से उसको टकराएंगे, जैसे किसी न्यूट्रॉन से उसको हम टकरवाएंगे। जैसे न्यूट्रॉन ले लिया हमने, न्यूट्रॉन वन, होगा क्या, जैसे न्यूट्रॉन इससे टकराता है तो ये दो हल्के नाभिकों में टूट जाएगा, जैसे बेरियम 56-139 प्लस और क्रिप्टॉन 36-94 और तीन न्यूट्रॉन साथ में निकलते हैं। ठीक है, जैसे ही रेडियो एक्टिव तत्व
यूरेनियम 235 हमने लिया और न्यूट्रॉन को इसे टकराया तो ये दो हल्के नाभिकों में टूट जाएगा और तीन न्यूट्रॉन साथ में निकलेंगे और ऊर्जा निकलेगी अत्यधिक मात्रा में। क्यों निकलती है ये ऊर्जा? क्योंकि भाई यूरेनियम 235 का जो द्रव्यमान है इसका कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। देखो ये टूट के इनमें तो बदल गया लेकिन इसका कुछ द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में निकलता है और यहाँ जो ऊष्मा निकलती है या ऊर्जा निकलती है वो बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। ये समझ लो कि अगर हम एक कार्बन का एटम जलाएं उससे लगभग 10 मिलियन टाइम ऊर्जा निकलती है। किससे? अगर हम एक एटम का प्रयोग किस करें, किसके एटम का? यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं तो उसके एक एटम से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वह कार्बन के एक एटम के जलने से निकलने वाली ऊर्जा से 10 मिलियन गुना अधिक होती है। ठीक है, अगर हम इस अभिक्रिया को नियंत्रित ना करें तो ये जो तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं ये आगे से आगे दोबारा से तत्व रेडियोएक्टिव तत्व से टकराएंगे और फिर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी और फिर तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे वो फिर से आगे टकराएंगे। इस प्रकार एक श्रृंखला अभिक्रिया शुरू हो जाती है और हम उसको नियंत्रित ना करें तो वो अनियंत्रित हो जाएगी, लेकिन हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं तभी हम इसका प्रयोग ऊर्जा प्राप्ति में करते हैं। तो इसको नियंत्रित करने के लिए हम कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। क्या करते हैं? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र एक ऐसी जगह या एक ऐसा प्लांट कह सकते हो तुम जहां पे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे? नाभिकीय किसी भी तत्व के नाभिक से या रेडियो एक्टिव तत्व से जहां पर ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको बोला जाएगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। इसमें होता क्या है? देखो इसमें एक चैम्बर होगा, एक चैम्बर ऐसा जिसमें नाभिकीय रिएक्शन होगी, मतलब नाभिकीय अभिक्रिया होगी। अब नाभिकीय अभिक्रिया किससे होगी? यूरेनियम 235 से होगी तो हम यूरेनियम 235 का प्रयोग करेंगे फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में, क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम 235 ईंधन का काम करेगा। और अब हम न्यूट्रॉन से इनको टकराएंगे लेकिन ये तो अनियंत्रित हो जाएगी अगर हम इनको नियंत्रित नहीं करेंगे। तो नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? एक तो भाई ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट की कुछ इसमें छड़ें डाली जाती हैं, ग्रेफाइट का। और दूसरा प्रयोग किया जाता है बोरोन का, बोरोन की भी इसमें रोड इसमें इंजर्ट की जाती है। इस प्रकार से बोरोन की रोड इसके अंदर इंजर्ट मतलब इसके अंदर डाल दी जाती है बाहर से ही। ये रोड ऐसी है, ये छड़ें ऐसी हैं किसकी? बोरोन की, कि हम इनको बाहर से ही आगे भी खिसका सकते हैं और पीछे भी खींच सकते हैं। ये किसके लिए है? ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए है। जैसे अभी मैंने बताया था अभिक्रिया में तीन न्यूट्रॉन निकले, आगे वो तीन न्यूट्रॉन तीन अलग अलग तत्वों से टकराएंगे, यूरेनियम 235 के तीन अलग अलग परमाणु से टकराएंगे तो रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उन तीन में से दो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेंगे। अगर दो न्यूट्रॉन अवशोषित कर लेंगे तो एक न्यूट्रॉन बच जाएगा, फिर वो अभिक्रिया आगे शुरू करवाएगा। फिर आगे उसमें से जब तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे तो उनमें से दो को अवशोषित कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार से अभिक्रिया नियंत्रित हो जाएगी और साथ में जो ऊर्जा निकलती रहेगी हम उसका प्रयोग कर लेंगे। अब किसके लिए? अपने काम के लिए। तो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट को बोला जाता है इसमें मॉडरेटर। ये बात याद रखना, पेपर में आता है भाई कि ग्रेफाइट को एज ए मॉडरेटर, मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जो बोरोन है इसको नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया को या नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करेगा? ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उनको अवशोषित करता है, कौन? बोरोन। ठीक है, ग्रेफाइट क्या करता है? ग्रेफाइट अभिक्रिया को स्लो करता है, फास्ट अभिक्रिया को स्लो करता है, कौन? ग्रेफाइट। इसलिए इसको मॉडरेटर बोला जाता है, इसको नियंत्रक बोला जाता है। अब जब ये रिएक्शन हो जाएगी, ये तो यूरेनियम 235 की छड़े हैं, इनमें तो अभिक्रिया ही होगी,
इन्होंने क्या किया, नियंत्रक का काम किया, इन्होंने क्या किया उसको अभिक्रिया को कम कर दिया। अब जो उष्मा निकली है हम क्या करेंगे, यहां से एक पाइप डालेंगे, ये पाइप, इस पाइप में से क्या होगा, कोई एक द्रव पदार्थ, जैसे हम प्रयोग कर सकते हैं द्रवित सोडियम का प्रयोग कर सकते हैं या द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड, वो इस पाइप के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, जब यहाँ उष्मा निकल रही है तो इस सारा का सारा पाइप गर्म हो जाएगा बिल्कुल, और इसके अंदर जो द्रव पदार्थ होगा जैसे द्रवित सोडियम वो उबलना शुरू कर देगा। अब वो आएगा उबल के, इसको आगे भेज देंगे इधर, इसको आगे किसमें भेजेंगे, आगे इसमें भेजेंगे एक चैम्बर के अंदर इसको डाल दिया जाएगा। तो ये जो द्रवित इसमें सोडियम था, हमने इस पाइप द्वारा इसको ऐसे भेजा इसमें, और एक चैम्बर के अंदर इसको हम भेज देंगे, ये चैम्बर, इसमें से ये ऐसे जाएगा भाई, ये पाइप को ऐसे मोड़ दिया हमने। क्यों मोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे होगी हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज का मतलब क्या है, जो द्रवित सोडियम में अत्यधिक उष्मा है वो किस में चली जाएगी, यहाँ पे होगा पानी, इस चैम्बर के अंदर क्या होगा, पानी, तो इसकी उष्मा पानी में चली जाएगी और पानी उबलना शुरू कर देगा, और उबलना शुरू करेगा तो उससे बनेगी वाष्प। हम उस वाष्प को आगे ट्रांसफर कर देंगे किसके पास, टरबाइन के पास, यहाँ पे टरबाइन लगी होगी, ये टरबाइन है, तो ये जो वाष्प है ये टरबाइन से टकराएगी, टरबाइन घूमेगी और इसके साथ जुड़ा होगा एक जनित्र, और जनित्र क्या पैदा करेगा, ये विद्युत पैदा कर देगा या विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। ये जो द्रवित सोडियम था आगे एक कंडेंसर से गुजारा जाएगा, मतलब या ये कह लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पंप लगा देंगे, किसके लिए, इसको वापस इसमें भेजने के लिए। ठीक, ये दोबारा से क्या अंदर जाएगा, दोबारा से ये गर्म होगा मतलब उबलना शुरू करेगा, उबला हुआ दोबारा उष्मा को लेके इसमें आएगा, पानी अपनी उष्मा को पानी को देगा, पानी गर्म हो जाएगा, वाष्प बनेगी, वाष्प टरबाइन के पास भेजी जाएगी, टरबाइन चलेगी और टरबाइन से विद्युत जनित्र चलेगा और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये था भाई नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन की सबसे बड़ी कमी क्या होती है, जो इसमें हम फ्यूल का प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में, जो यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं, तो इसके कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं और वो अपशिष्ट पदार्थ वो भी विकिरण छोड़ते रहते हैं, तो उनका निपटारा करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब हम उनको कहाँ डालें, इसमें से ऊर्जा प्राप्त करने के बाद हम उनको निपटारा कैसे करें, उसको मिट्टी में दबाए क्या, समुद्र में छोड़े कहाँ छोड़े, तो जहाँ भी हम उसको डालेंगे वो वहीं पे विकिरण छोड़ते रहते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे ही होते हैं, तो इनका निपटारा करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, ये बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होती है इसमें, मतलब इसमें से रेडिएशन निकलती रहती है, इसके पास कंक्रीट की मोटी दीवार बनाई जाती है इसके चारों तरफ, क्यों, क्योंकि अगर इसमें से रेडिएशन बाहर निकल जाएगी तो जो इसके आसपास काम करने वाले लोग होंगे वो इसके संपर्क में आ जाएंगे और उनको स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसकी कुछ कमियां भी हैं, ऐसा कुछ लिमिटेड ही नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हमारे देश में काम करते हैं, जैसे भाई तारापुर है महाराष्ट्र में है, एक कैगा कर्नाटक में है और गुजरात में भी है, उत्तर प्रदेश में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, तो कुल मिला के 6 ही है सिर्फ जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 3% ऊर्जा हिंदुस्तान में, सिर्फ 3% विद्युत धारा या ऊर्जा की प्राप्ति हम नाभिकीय ऊर्जा से करते हैं। तो ये नाभिकीय विखंडन थी। जो एटम बम है, एटम बम जो था, जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम डाला गया था, वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे ही काम करता है। एक होता नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन इसका बिल्कुल उल्टा होती है नाभिकीय विखंडन का, उसमें क्या होता है, दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, हम बाकी जो बच गया है वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।